हे गाइस, दिस इज स्पाइडरमैन और आज हम फिर से आ गए डेडलैंड्स में। तो आज हम बनाने वाले द बिगेस्ट कासल एवर इन एमसीपी हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ डेडलैंड्स। तो एक कासल होने वाला है कोबलस्टोन, आई मीन डिप स्लेट का, तो पूरा ब्लैक और वुड से बनने वाला है। वुड इतना कुछ नहीं, बहुत इतना सुंदर लगने वाला है। आप जरूर से ट्राई करना इसे और देखना आप एंड तक कि आपको कितना मज़ा आएगा और आपको देखने में एकदम भारी लगेगा। तो चलिए कासल को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो पहले हमें ऐसे तीन तीन के डिस्टेंस में से होल्स लगा देने ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर हमें ऐसे डिज़ाइन वगैरह देना है। तो इसके पीछे हम वॉल बनाने वाले हैं, फिर देखते हैं आगे से कैसा दिखता है। ओके, तो फिर ऐसे हमें बनाने हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ बेस। ये टावर का बेस है, हमें इस पे टावर बनाना है। देखते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही करना। Thank you.
तो बहुत सारा काम कर लिया हमें कासल का। इतना काम करने के बाद मैंने इसको ब्रेक दिया और मुझे एक आइडिया, फाइट के बाद एनडी मेरे साइड आ गया था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम एक लीड के लिए एक दोनों के लिए डायमंड एंकेंटेड आर्मर्स बनाते हैं और टूल्स, ताकि हमारे पास कोई तो लीड हो फुल्ली एंचांटेड आर्मर और टूल्स। तो इसके लिए अगर हम खुले में एंचांटिंग रूम बनाते हैं तो उसको पता चल जाता और वो अपना अपग्रेड शुरू कर देता जल्दी से। इसलिए हमने अपने घर से बहुत दूर एक सीक्रेट बेस बनाया, वो भी ओशियन के नीचे बना। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास बहुत अपर हैंड था, क्योंकि हमारे पास एक एंचांटेड आर्मर एंचांटेड टूल्स थे, और इसके होने के बाद हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स थे, जैसे सर्वर का पहला डायमंड का आर्मर एंचांटेड आर्मर, सर्वर के पहले एंचांटेड टूल्स, पहली फॉर्चून की पिकैक्स और पहला एंचांटेड टेबल, एमेथिस्ट वगैरह बहुत सारी। एमेथिस्ट मैंने पहले से था जब डायमंड का आर्मर तैयार किया, डायमंड आई मीन आयरन कार में तैयार किया था, तभी एमेथिस्ट आ गया था। और अगर अभी 1v2 भी हो जाती है तो भी मैं उन दोनों को आराम से हरा दूंगा, इतना तो कॉन्फिडेंट, इतनी तो पीवीपी आती है। अगर आपको नहीं पता तो मेरा वेट और उसकी वीडियो देख लेना, आपको पीवीपी पता चल जाएगा। लेकिन ये सब करते करते मुझे एनडी का नेम टैग दिखा उसके घर के नीचे, और जब मैं वहाँ गया तो कुछ ऐसा होगा। तो एंचांटिंग रूम बनाने के बाद और थोड़ी एंचांटमेंट्स करने के बाद मैं आ गया कि सीक्रेट बेस में। वो मुझे भी पता नहीं था उसका कोई सीक्रेट बेस है, और उसने किसी को बताया भी नहीं था। ये बात थी जब सर्वर का ग्लिच हुआ था, क्योंकि 2 मिनट के लिए सब क्रिएट हो गया था, तब किसी ने कुछ नहीं लिया, लेकिन एंडी ने बहुत सारा सामान दबा लिया। तो इस बात का मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैंने उसका नेम टैग उसके घर के नीचे देखा। और नेम टैग दिखने के बाद मुझे जब पता चला कि उसने ये सारा नेदरराइट का सामान लिया है, तो मैंने उसके सारे सामान को आग लगा दी और डिसाइड कर लिया कि इसको हम भेजेंगे जेल। तो इसको सारा सामान जलाने के बाद हम बनाते एक जेल। इधर गया एंडी, एंडी एंडी तेरा घर खतरे में है। ये एंडी किधर गया? वो किधर जाएगा? वो बोल क्यों नहीं बोल रहे हैं बच्चे? मैं इधर ही हूँ, पास में रुको। अरे अपने इन्वेंटर क्लियर कर। वैसे अगर हमने तुझे मारा और तेरे इन्वेंटर में सामान निकल गया, तुम लावा लेके आओ जल्दी। रुको, मैं इस चेस्ट में बांबू रख देता हूँ। बांबू रुको, मैं घर पे जाऊँगा। तुम्हारे वैसे मेरे घर का काम बाकी है, पता है तुम्हें? जुम्मे भाई ने देखी था डार्क आ जाओ भाई, चलो चल भाई, तेरा टाइम खत्म हो चुका है, जिंदगी अभी हमारे। तुमने इन्वेंटर क्लियर की? यस। काटना तो पड़ेगा, जाओ उस बेड पे हाथ मारो। मारा? अभी मारो इसको। नहीं नहीं, हाँ चलो। नहीं 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 नहीं, जाओ तुम अंदर तो जाओ। ओ ओ भैया, तुम्हारा चार्जिंग कम है। तुम्हारा घर गया अभी 100% गया तुम्हारा। अरे यार इधर इधर एंडी, घुस घुस अंदर, मारो प्लीज मारो। नहीं नहीं रुको, मर गया। उसके पास पिकैक्स थी, देखो
मिल गई। अब आप तो कुछ नहीं आगे आगे ओहो ज्यादा शाना मत बन पिकैक्स ओके ओके लावा डालो साइड लावा डालो तुम पानी तैयार रखो हां नीचे डालो नीचे किधर डालने का है बस इधर यहां पे डालो जल्दी पानी डालो मेरे पास दूसरा क्या हुआ ऑक्सीजन ग्लिच हो गया ग्लिच हो गया अभी लेके आ ओ सर को ना तुम का दे जेल में जाते इसका सिर्फ मुंह दिखना चाहिए इतना बंद कर देंगे पानी दो मेरे पास लावा डाल रहा हूं पीछे में आ तुम डालो ना पीछे ना में नीचे डालना डंडी की सजा काटने के बाद हमें दिखती एक पिंक शिप जो कि होती बहुत ही रेयर और हमें वो इस सरो की पहली पिंक शिप हमारे घर के पास ही मिली तो हमने उसे बंद कर लिया गाइस तो हमारे कासल का एक्सटीरियर पूरा हो गया है तो ऐसा दिख रहा है कासल। आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब इसका इंटीरियर डिज़ाइन करना बाकी है, इसका इंटीरियर भी हम जल्दी से जल्दी बना देंगे।
अब इसमें बहुत सारा काम बाकी है, जल्दी से कर देंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना, और आगे ऐसी ढासू ढासू वीडियो आने वाली है, तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।